सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो मैं डिमांड पे बना रहा हूँ बिकॉज आप सभी लोग चाहते थे कि मैं भी अपने एंड से सारी चीज़ें रिवील आउट करूँ और मैं भी अपने एंड से अपना ट्रुथ सामने रखूँ। तो मैं इतना बोलूँगा, जो भी उन्होंने डाला है वो सब सच है, जो भी उन्होंने स्टोरी पोस्ट किया वो सच है, जो उन्होंने वीडियो पोस्ट किया वो भी सच है, जो जो अनु बोल रही है वो सब कुछ रियलिटी है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो रियलिटी नहीं बोल रही है, वो कुछ झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ जो बोल रही है वो सच ही बोल रही है। कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें उसने गुस्से में आके बोल दी थी, जिसका उसने बाद में सॉरी भी बोला है। तो हम उन चीज़ों को नहीं घसीटेंगे ज़्यादा लंबा। और बाकी बात रही मेरे एंड से चीज़ों को सुनने की, तो मैं इतना रिवील ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं मेरा लाइफ बीत जाएगा, मैं कहीं पे भी पहुंच जाऊंगा, मैं कुछ भी रिवील नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। और वीडियो डालना तो बहुत दूर की बात है, वीडियो डाल के रखना तो बहुत दूर की बात है। मैं किसी से बोला भी नहीं आज तक और बोलूँगा भी नहीं। मैं नहीं चाहता चीज़ों को मैं बोलूँ और चीज़ें आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे आके कुछ लोग बोल ही देते हैं। देखो कोई भी सही, आप जब आपकी बात आप तक है तब तक वो सेफ़ है, पर जब भी आपने किसी और से बोला वो कहीं ना कहीं पहुँचेगी ही पहुँचेगी। तो अगर आप चाहते हो कोई सीक्रेट सीक्रेट रहे तो आप खुद तक रखो। तो वैसे ही मैं कुछ चीज़ें खुद तक रखना चाहता हूँ। देखो मैंने जो फेस किया वो मैं जानता हूँ, मैंने जो हैंडल किया वो मैं जानता हूँ, मैंने 8 मंथ्स क्या देखा मैं जानता हूँ। अगर मैं वो चीज़ें आपको बोलूँगा भी ना, सीरियसली आप मुझे उल्टा और गालियाँ दोगे, कहेगा तू बहुत पति पति कहता है ना खुद को, तू कैसा पति है। ठीक है, तो मैं वो भी रहने देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। और बाकी बात रही, मैं प्राउडली अपने मम्मी पापा से बात कर पाता हूँ, मैं प्राउडली मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बोल पाता हूँ मैं गलत नहीं हूँ। मैं जब रात में सोता हूँ, तो मैं सुकून की नींद सोता हूँ। मैं जितनी देर भी सोता हूँ मैं सुकून की नींद सोता हूँ। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं रहता कि मैंने किसी के साथ गलत किया है। अब मैं इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। और बाकी बात रही चीज़ों की कि मैं आज तक चुप इसलिए था, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो थी कि मेरी चुप्पी थी, मैं चुप था। तो मैं चुप आज तक इसलिए था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि LGBTQ कहीं ना कहीं हम बहुत एक अच्छा इमेज लेके चले हैं, एक बहुत लविंग कपल लेके चले हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा हैप्पी मैरिड कपल लेकर चल रहे हैं और एक बहुत अलग सी दुनिया लेकर के चले हैं। और मैं अपना ब्रेकअप अनाउंस किया भी था, एक वीडियो शायद से आप लोगों ने देखा होगा, मैंने डाला भी था काफ़ी टाइम पहले, और वो वीडियो मैंने विद इन 1 आवर मैंने डिलीट कर दिया था यूट्यूब से वो वीडियो, पर क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सडनली लोगों को पता चले कि हम लोगों का ब्रेकअप हो गया। और ठीक है, तो मैं ऑलरेडी वीडियो डाला था वो जो मैंने डिलीट कर दिया, जिसने वो 2,200-300 लोगों ने वो वीडियो देख लिया था विद इन 1 आवर। तो आप लोग मुझे कमेंट, जिन ने वो वीडियो देखा वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना उस वीडियो में मैंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, जिसने भी वो वीडियो देखा था। अभी तो मैंने डिलीट कर दिया है यूट्यूब से, तो वो मैंने वीडियो डाला तो था, मतलब कि मैं ये बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ कि मैं पहले अनाउंस कर दिया था बट मैं नहीं चाहता था कि हम लोग बहुत अच्छा इमेज लेके चले हैं और हम लोग बहुत अच्छे कपल होकर के चले हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं नहीं चाहता था सडनली मैं ब्रेकअप का अनाउंस करूं। मैं बस इतना, मैं अनु से टाइम लिया था कि मैं अगस्त में चला जाऊंगा स्नूपी को लेकर के, बट उससे पहले बहुत कुछ हो गया लाइफ में, वो छोड़ दो रहने दो। बट हाँ, मैं फिर भी यही बोलूँगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं आज भी अपने मम्मी पापा की नज़रों में नज़रें मिला के बोल पाता हूँ आपके बेटे ने अपना 200% दिया था और आपके बेटे ने तब तक कुछ गलत नहीं किया था जब तक मैंने दूसरे को क्लियर नहीं कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, वो लड़की कौन है। ठीक है, वो लड़की एक्चुअली एक दिन मैं बैठ के जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, तो आप लोगों ने शायद से देखा होगा कि वो एक दीदी है सिलीगुड़ी में, जब मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया था, तो वो दीदी है सिलीगुड़ी में, वो मेरे लिए मेडिसिन वगैरह खाना वगैरह लेकर के आई थी। तो उस दिन मेरा बहुत अजीब हालत था, तो दीदी ने बोला भी था कि तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत है नहीं,
तो मैंने बोला था हाँ आप लोग वो व्लॉग देख लेना जाके। फिर अनु को भी कॉल किया था, उन दीदी ने मुझे बाद में बताया कि मैंने अनु को कॉल किया था कि ऐसे ऐसे करके एटलीस्ट 2 दिन के लिए आ जाओ, बट संजू के पास आ जाओ। तो दीदी ने कॉल तो किया अनु को, बट शायद से अनु कुछ प्रॉब्लम है होगा यार, नहीं होता है, नहीं आ पाई होगी, छोड़ो, तो नहीं आ पाई वो। और उसके बाद मैं कंटिन्यू बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहा, सुसाइडल थॉट्स के साथ। जी हाँ, मैं सुसाइडल थॉट्स के साथ डिप्रेशन में था। मैं कम से कम नहीं तो मैं 5 से 6 दिन एक रूम में ये सोच रहा था कि मैं कौन सी ऐसी मौत मरूं जिससे मुझे दर्द कम हो। प्रॉमिस ऑन गॉड, मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे दर्द कम हो और मैं मर भी जाऊं। ये नहीं फेस हो रहा है मुझसे नहीं देखा जा रहा है वो सब। तो मैं वो सारी चीज़ें सोच रहा था। तो उस मोमेंट पे मैंने एक लड़की थी जो आप लोग एडवोकेट एडवोकेट करके जानते हो उसको, तो वो लड़की का मेरे पास मैसेज आके चुका था काफ़ी टाइम पहले ही। वो एक इकलौती लड़की थी जिसका नंबर मैंने सेव किया था सोशल मीडिया। अब देखो मैं खुद को इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है, बट फिर भी सोशल मीडिया पे मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे गर्ल्स के मैसेजेस आते रहते हैं, वो मुझे अपना नंबर देती रहती हैं, ठीक है। बट वो एक पर्टिकुलर लड़की थी जिसका नंबर मैंने सेव किया था। आई डोंट नो व्हाई, क्यों, कैसे, क्या माइंड में आया था जो मैंने उसका नंबर सेव किया था, बट मैंने उसका नंबर सेव किया था। और उस दिन जब मैं नोट लिखने बैठा, सुसाइड नोट लिखने बैठा, ट्रू है गाइस, तो उस दिन मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि मुझे एक बार उससे बात करना चाहिए। उसको कॉल लगाया, कॉल लगाने के बाद मेरा उससे बात हुआ, बात लगभग 1 घंटा मेरा उससे बात हुआ। और 1 घंटा बात करने के बाद मैंने वो जो पेन और नोटबुक लेके बैठा था पहले, तो वो साइड में किया। दूसरी चीज़, उसने बस मुझे इतना समझाया कुछ मत करो, एक बार अपने पेरेंट्स से बात करो। मैंने अपने मम्मा का फ़ोन लगाया, पापा का फ़ोन लगाया, दोनों में से पप्पा मेरे से बोले तू छुपा ले, छुपेगा नहीं मुझसे, और तू एक काम कर, कुछ मत कर, तू हमें हमारा बच्चा 1 पीस में वापस दे दे। जब पापा ने ये बात बोला तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं करने क्या जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना के बैठ गया था। मैं देख ही नहीं रहा था उसके अलावा भी बहुत कुछ है, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था कि मैं, मुझे ये लग रहा था कि वो नहीं तो मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, वो नहीं तो मैं ख़त्म हो गया। मैं 2 महीने से रामपुर में वेट किया, मैं 2 महीने जाके सिलीगुड़ी में अकेला रह के भी वेट किया, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे थे, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे थे, वही रोला, वही इंसल्टिंग फेस, वही सब कुछ। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे रिवील करूँगा, 1%, मतलब मेरी कहानी का 1% मैं यहाँ पर रिवील करूँगा कि एक बार मैंने अनु को फ़ोन किया था, ठीक है, सलून में थी अनु, मैं उस रो रहा था, मैंने बोला अनु प्लीज़ मुझसे बात करो थोड़ा। तो उस टाइम पे अनु बोलती है मुझसे, ये मैं तुम्हारा रोना धोना नहीं, मैं तुम्हारा रोना धोना लेके नहीं बैठूँगी, खाली नहीं हूँ मैं तुम्हारी तरह, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं एक बार अनकॉन्शियस होके गिरा था, और गिरने के बाद तो अनु आई बाहर उठ के, उसने देखा मुझे और वो अंदर चली गई दोबारा से। फिर 1 घंटे बाद मैं उठा, उठने के बाद मैंने बोला अनु मैंने कल से खाना नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। उस टाइम पे अनु के वर्ड से, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हें खाना बना के दूँगी। हाँ, तो मतलब ऐसी, मैं एक पॉइंट गिनवाना चाह रहा हूँ कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये 1% बताया मैंने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं। हालांकि उसने गलत इंटेंशन से कहीं ना कहीं नहीं बोला होगा, गुस्से में होगी या किसी चीज़ पे फ्रस्ट्रेट होगी, तो उसने मुझ पर निकाल दिया। और है ही कौन हमारी लाइफ में, मैं उस पर निकाल सकता था गुस्सा, वो मुझ पर निकाल सकती थी, मैं उन चीज़ों को नहीं कह रहा, बट मुझे हर्ट किया वो चीज़ें। और वो इकलौती, ये तो मैं 1% फिर रिपीट कर रहा हूँ गाइस, मैं 1% बता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का, पिछले 2.5 साल का मैं 1% बता रहा हूँ शायद से, इवन 8 महीने का, 2.5 साल का भी नहीं, 8 महीने का। तो वही सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं चाहता मैं और ज़्यादा चीज़ें रिवील आउट करूँ, जो चीज़ें, जो गालियाँ मुझे पड़ रही हैं वो जाके कहीं किसी और को ना पड़े, आप मुझे देते रहो आराम से गालियाँ, मैं फेस कर सकता हूँ, मैं बहुत टाइम से फेस कर रहा हूँ। पर एक चीज़ ट्रू है, जब आपको पता नहीं है ना, जब आपको रियलिटी पूरी पूरी नहीं पता है, तो आप किसी को भी जज मत करो, किसी को भी मत बोलो एकदम से जाके यार, क्योंकि जब गालियाँ पड़नी है ना, मुझे भी बुरा लग रहा है, मैं क्या यार इतना सब कुछ फेस करने के बाद इतना किसी को
एक्सपोज ना करने के बाद भी मैं ही सुन रहा हूँ, मतलब मैं ही सुन रहा हूँ, मैं ही गालियाँ खा रहा हूँ आराम से। वही चीज़ हुई यार, होता है कभी कभी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आप फेस करते हो, बहुत कुछ है जो आप भूलते हो। और हाँ, कोई भी किसी को हेट मत देना गाइस, किसी को भी हेट देने की ज़रूरत नहीं है। ये है मेरे साथ साथ, प्लीज़ मुझे भी हेट मत दो, अब बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने, मुझसे भी अभी नहीं सुना जा रहा है, सच बता रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ भी रिवील आउट करूँ, और मैं नहीं ही करूँगा, चाहे कोई मुझे कितना भी ऑफेंड करे, कितना भी गुस्सा दिलाए, कितना भी कुछ भी कर ले मेरे साथ, मैं ना सो कॉल्ड प्रूफ्स लेके बैठूंगा, ना मैं कुछ रिवील करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, बस मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ूंगा। और मुझे कुछ नहीं, मुझे लिटरली मैंने जो अपनी लाइफ में पिछले दिनों में किया है, एक सुंदर सा घर बनाया था, छोटा सा अपना आशियाना बनाया था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ओपनली सोशल मीडिया पे बोलता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नहीं। मैंने ये सोच लिया कि मैंने जिसके नसीब के लिए किया था उसको, उसके पास है बस, मेरे लिए उतना बहुत अच्छा है। मैं कम से कम ज़िंदगी भर अपनी नज़रों में उठा रहूँगा। और मैं ये जो रिवील नहीं कर रहा हूँ ना, ये जो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और बहुत ये है वो है इसलिए मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं ये चीज़ भी अपने लिए कर रहा हूँ। मैं कुछ भी करता हूँ अपने लिए करता हूँ, मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के इन फ्यूचर जाके कहीं ना कहीं मुझे मेरे बारे में पता है, मुझे गिल्ट होगा कि यार मैंने कहीं ना कहीं उसके बारे में रिवील कर दिया था, इसीलिए मैं वो गिल्ट नहीं चाहता, इसलिए मैं रिवील भी नहीं करूँगा चीज़ों को। बाकी हाँ, वो लड़की का मैं क्लियर कर देता हूँ, लड़की का ये था, उसने मुझे जब ये सारी चीज़ें समझाई, मैं समझा, उसकी और मेरी बात होना स्टार्ट हो गई, मैं चीज़ों से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा, और उसने मेरा हेल्प किया। और जब अनु आई, जिस दिन अनु आई, अनु ने आके उस लड़की से बात किया, उस लड़की ने मुझसे बोला कि मैं किसी के बीच में नहीं आ सकती, और ये वो बोलने के बाद वो उसने मुझे छोड़ दिया। उसी दिन जब अनु ने बोला उसको, तो वो मुझे छोड़ के चली गई। हालांकि ये नहीं है कि चीज़ें बुरी थी, बहुत अच्छी थी भाई वो, मतलब उसने कहीं ना कहीं वो एक इकलौती, मैं ओपनली सोशल मीडिया पर कह रहा हूँ, अगर वो लड़की नहीं होती तो आप #RIP संजू रस्तोगी या टॉम्बर रस्तोगी लिख रहे होते आज की डेट में। और ये फैक्ट है ज़िंदगी का गाइस, ये फैक्ट है ज़िंदगी का, आप तब तक याद रहोगे लोगों को जब तक आपकी शक्ल उनको दिखती रहेगी, जब तक आप उनको दिखते रहोगे। मैं ना #RIP टॉम्बर रस्तोगी बन के कहीं ना कहीं अब तक जा चुका होता लोगों के दिल से, और ये ट्रू है, ये फैक्ट है यार। प्रैक्टिकली अगर 2.5 साल से मैं प्रैक्टिकली सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मूवी दुनिया थी, तो प्रैक्टिकली सोचते हैं कि अगर मैं कुछ कर लेता ना खुद को, आप लोग बहुत सिंपैथी देते, आप लोग एक महीना मैक्स, एक महीना मुझे याद रखते, कोई भी है मैक्स एक महीना मुझे याद रखता, मैक्स बहुत बता दिया, इवन मेरे घर पे भी बता दे रहा हूँ मैं ये चीज़। बट क्या, हाँ ये बात अलग है, समटाइम मेरे को सोच के कुछ याद आ जाना या ऐसा कुछ, बट आप लोग मैक्स मुझे इतना टाइम ही याद रखते हैं, ठीक है। तो मुझे वो #RIP टॉम्बर रस्तोगी नहीं बनना था, मुझे मेरे पेरेंट्स को उनका बच्चा वापस देना था, तो बस यही सारी चीज़ें थी इसलिए। और मैं उस लड़की की वजह से आज ज़िंदा खड़ा हूँ, वो एक इकलौती है जिसकी वजह से मैं ज़िंदा खड़ा हूँ, ये चीज़ ट्रू है। क्योंकि अगर वो मुझे, मैं उसको फ़ोन नहीं करता, वो मुझे नहीं समझाती, मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ये ट्रू था कि आज आप #RIP टॉम्बर रस्तोगी लिख रहे होते। और ये भी ट्रू है कि आप अनु को जाके कोस रहे होते। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी उस दिन, सोचा तो ये था कि एक बार मैं किस्सा ख़त्म करके साला आराम से जीऊँ, आराम से मरूँगा, सॉरी, पर नहीं यार, किस्सा क्यों ख़त्म करना। मेरी माँ ने 9 मंथ्स इतना पेन झेला है, पैदा करने में इतना पेन झेला है, और मैं किसी एक इंसान को पूरी दुनिया मान के अपने माँ बाप को इतना दुख दे के चला जाऊँगा ना, मैं नहीं कर सकता था, मैंने नहीं किया। देखो मैं कुछ रिवील तो नहीं करूँगा, ये तो ट्रू है, बट हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जिसने मेरे व्लॉग्स देखे हैं, जिसने मेरे व्लॉग्स देखे हैं, उनको सब कुछ सच सच पता होगा, उनको सब कुछ मालूम होगा,
तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बोलना, बस जिन जिन ने ब्लॉग्स देखे हैं वो मेरी सिचुएशन को समझेंगे। और हाँ, मैं जो चीज़ें भी हुई मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ। अगर मैं नहीं निकलता कहीं ना कहीं क्या ही होता, बहुत कुछ फेस कर लिया, बहुत कुछ फेस कर लिया मैं, वो चीज़ें फेस कर लिया कि मैं अगर धोखे से भी कभी मेरे मुंह से निकला ना तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ मैं चाहूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी को भी हेट ना दें, मुझे भी ना दें, और जो भी हुआ हो गया, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। दैट्स इट, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी कंटिन्यू व्लॉगिंग करूँगा, कोशिश करूँगा कंटिन्यू कर पाऊँ, बस थोड़ा सा तबीयत का इशू रह रहा है, थोड़ा थोड़ा सा, तो वो भी अपन कवर अप कर लेंगे धीरे धीरे करके। बस ठीक है, बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, बाय।